नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। ये हमारे पीछे देख रहे हैं बना हुआ मकान है, इसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ। कारण है रमजान के रोजे हैं। इधर आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से धूप है, तो हम बाहर जो है लोगों से राय नहीं ले सकते हैं क्योंकि धूप की वजह से हो सकता है इन लोगों के रोजे में खलल महसूस हो, इसलिए हम बाहर इंटरव्यू नहीं लेना मुनासिब समझ रहे हैं। इन लोगों को अंदर ही बुला लिया है कि छाँव में खड़े होकर अगर अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या इरादा है नगर निगम के चुनाव में, आने वाला नगर निगम का चुनाव है, क्या इरादा है? देखिए, चुनाव में तो इरादा आपकी MIM को ही वोट देने का है। और इस बार जो चुनाव गुजर गया है, इस चुनाव में भी हमारे दिलों के अंदर ओवैसी थे, मजबूरी ये थी। मीडिया ने जो माहौल बना दिया था उस माहौल के तहत मजबूरी थी, उस मजबूरी के तहत चले गए थे कि भाई चलो सपा को वोट दे दिया जाए। लेकिन ये लग रहा था, पहले भी वोट देते टाइम दिल में खटक रहा था और ये लग रहा था कि हमारे वोट बेकार जा रहे हैं। ओवैसी साहब ने भी ये बात कही थी कि सपा को आप नहीं हरा सकते, भाजपा को आप नहीं हरा सकते हो, अखिलेश यादव जी भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। तो आज उनके बात याद आती है तो ये लगता है कि हाँ, हम ठग लिए गए हैं। यानी आपने भी समाजवादी को वोट डाल दिए? समाजवादी पार्टी को वोट गया मुसलमानों का, लेकिन ठगा हुआ महसूस हुआ मुसलमान। आजम खान के कार्यालय से लगातार आवाज़ उठ रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? असल में आजम खान साहब की तरफ से ये बात है, अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि उनकी तरफ से ये बात है। कार्यालय से आवाज़ जो उठ रही है उसको देखा जा रहा है, तो उसको इसी तनाजुर में देख रहे हैं कि आजम खान साहब और उनके घर वाले भी महसूस कर रहे हैं कि हम ठग लिए गए। वो इतने बड़े पद पर रहने के बाद खुद को महसूस कर रहे हैं कि हम ठगे गए हैं, तो वो आवाज़ें अब उठ रही हैं। तो उनको शुरू में तो ये लगा था कि सपा की गवर्नमेंट आ रही है और हमें हमारी ज़मानत हो गई है, और बेटे की ज़मानत हुई अब्दुल्ला की और उनकी ज़मानत हुई आज़म खान साहब की, कुछ मामलों में रह गए, तो ये हुआ था कि ये भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब उन्हें यह महसूस हो रहा है कि हमारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत इस्तेमाल हुआ है, अब उनको महसूस हो रहा है कि हम ठग लिए। महसूस हो गया, आप सीधे मुद्दे बताएं, नगर निगम के चुनाव में किसके साथ? नगर निगम के चुनाव में हमारा एक एक वोट, हमारा इलाका, ये सारे के सारे लोग ओवैसी साहब के साथ खड़े हुए हैं, MIM को वोट देंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? MIM के साथ है मेरी पूरी टीम, मैं छात्र नेता रहा हूँ हलीम मुस्लिम महाविद्यालय का, तो पूरी टीम जो है MIM को डिसाइड कर चुकी है, और सभी जितने भी हैं तकरीबन 50% पे जो नगर निकाय चुनाव होंगे वार्डों में, उस पर जो है MIM को ही वोट करने जा रहे हैं। MIM को आप वोट करेंगे? चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, आपका इरादा क्या है? MIM 2022 में भी तो इरादा आपका यही था, कैसे पलट गया? पलट यूँ किया कि उसको बड़ा सोचना पड़ा कि सिर्फ लोगों ने जो एक रूमर प्रेस ने फैलाया कि BJP को सपा हरा सकती है, तो हम मुसलमान तो भाई यही होता है कि बस कौआ कान ले गया, कौए के पीछे दौड़ना, कान नहीं देख रहे है कि नहीं है। बाद में देखा तो कान यही था, मालूम कौआ ले कर चला गया योगी जी के पास, तो मामला तो यही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमानों को ठगा गया, ये फिर मैं ये बात कहूँगा, और मुसलमानों को फुटबॉल बनाया गया, कभी सपा लात मारती कभी बसपा लात मारती, मुसलमानों को किसी तरह से भला नहीं हुआ, और ये बात अब मुसलमानों को समझ में आ गई, और इंशाल्लाह रहमान नगर निगम चुनाव में इंशाल्लाह MIM को भरपूर वोट मिलेंगे और मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई। आपका क्या इरादा लग रहा है? MIM इंशाल्लाह आपकी नगर निगम के चुनाव में। क्यों, आपने तो विधानसभा में जोरम झार वोट दिया है समाजवादी? जी, अभी इससे पहले अभी बताया, चचा ने बताया कि हमने खाली सोचा कि अब की बार सपा को लिया है, अगली बार देखेंगे, तो हमने अपनों के ही साथ अपने कौम के साथ गद्दारी की, अपनी कौम के साथ, जबकि हमारा सदर बार बार बोल रहा था कि सपा भाजपा को नहीं हरा सकती सपा, लेकिन हमने ये सोचा कि अब की शायद कारोबारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि अब की शायद इसको जिता दे सपा को, तो अगली बार हम अपनी कौम के बारे में सोचेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, भाजपा जीत गई। आप कैसे देखते हैं? हम तो ये देखते हैं कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था योगी जी का, जब योगी जी जीत के आए थे, तो उसी वक्त मुसलमान को समझ लेना चाहिए क्या कौन सा ये किरदार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आपका मालिक उसी मतभेद चल रहा है, तो हम आपके किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। और जिस वक्त जो है योगी जी जब जीत के आए थे लखनऊ में, प्रधानमंत्री भी थे, सब लोग थे वहाँ पर जब मुलायम सिंह यादव और प्लस उनका साहब यादव, वो क्या नाम है, अखिलेश यादव, ये दोनों गए थे और जाके पैर छुए थे, कान में कुछ बोले, कान में कुछ कहा था, तो मुसलमान को उसी वक्त समझ लेना चाहिए था। हम घरेलू झगड़े में हमारे रिश्तेदार बनते हैं, कोई बात हो गई हम इनके शादी में नहीं गए, मिट्टी में नहीं गए, लेकिन वहाँ जाके और पैर छू लिया, इसका मतलब क्या हुआ? फिर कान ने क्या कहा, हम लोग समझ नहीं पाए। लिहाजा हम लोग को समझना चाहिए हर हाल में, और कुल मिला के ये है कि हम चाहे अच्छा चाहे बुरा, मेरा अपना अपना है,
देख लिया इतने दिन में क्या किसका अकाउंट किसी का नहीं है। तो दिन आपके अपने हैं जी, उम्मीद लग रहा है नहीं, वैसे भी अपने हैं और तमाम लोग ऐसे अपने हैं जो हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में और क्या।